हाँ जी स्टूडेंट्स, आज मैं थोड़े नाल शेयर करांगी प्लस वन क्लास के जनरल इंग्लिश के सैंपल पेपर के क्वेश्चन आंसर, जो कि थोड़े जिहड़े हुण दिसंबर फर्स्ट टर्म के एग्जाम होने जा रहे हैं उसके लिए हैल्पफुल होंगे। फर्स्टली अपने कोल की है कि 40 मार्क्स का अपना पेपर आना, 40 क्वेश्चन होणगे ते 1-1 मार्क्स का थोड़े सारे क्वेश्चन होणगे। इस विच फर्स्टली अपने कोल फर्स्ट पार्ट च है रीडिंग कंप्रीहेंशन, रीड द अनसीन पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। एक पैराग्राफ दिता अपन, उसनू रीड करके अपने उस विचों फाइंड करके आंसर क्वेश्चंस दे आंसर देने ने। तो इत्थे फर्स्ट क्वेश्चन है अपने कोल, विच वैरायटी ऑफ टी इज नॉट डिस्कस्ड इन द अबव पैसेज। हुण उपरले पैसेज चा जिहड़े सारे पैसेज चा किस टी की गल नहीं की गई, तो इस दे विच अपना राइट आंसर की है बबल टी, जिहड़ी बी ऑप्शन है बबल टी, इसका डिस्कशन है जिहड़ा उपर दिते पैराग्राफ च नहीं किया गया। तुसी इस दे आंसर फाइंड आउट करने ने पैराग्राफ नू पढ़ के, बट मैं तुहानू इत्थे डायरैक्ट आंसर दस्सी हां, बट तुसी एग्जैक्ट लोकेशन तुहानू क्वेश्चन की आंसर की पैराग्राफ तो मिल जाएगी। सैकेंड क्वेश्चन है अपना, मचा इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ डैश। किस दी प्योरेस्ट फॉर्म है ये? ग्रीन टी। इत्थे अपने कोल सी ऑप्शन राइट आंसर है, ग्रीन टी है जिहड़ी इसकी प्योरेस्ट फॉर्म है। एक बार तुसी पैराग्राफ च भी चैक कर सकते हो। देखो इत्थे अपने कोल है ये थर्ड लाइन इज मैचा इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ग्रीन टी। इत्थे नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन, हर्बल टी डज नॉट टेस्ट। किस तरह का टेस्ट है जिहड़ा हर्बल टी का नहीं हुंदा? स्पाइसी, फ्रूटी ते फ्लेवरी है जिहड़ी हुंदी आ, तां इस करके इसका राइट आंसर क्या है? स्वीट। हर्बल टी डज नॉट टेस्ट स्वीट। जिहड़ा हर्बल टी का टेस्ट है वह स्वीट नहीं हुंदा। फोर्थ क्वेश्चन इज एन इनफ्यूज टी कूलर इज नॉट। जिहड़ी इनफ्यूज टी है की नहीं है, तो इस दे विच अपना राइट आंसर है एडेड विद मिल्क ये ऑप्शन है। बाकी जिहड़े 3 ऑप्शनस ने उस नाल इह हुंदा है इहदे विच, बट जिहड़ा एडेड विद मिल्क नहीं हुंदी इह। फिफ्थ क्वेश्चन है अपना, दिस न्यू एज ब्रूज आर नॉट बीइंग सर्वड। कित्थे जिहड़ी इह जिहड़ियां टीज़ दियां इह जिहड़ियां न्यू वैराइटीज़ ने कित्थे जिहड़ियां सर्व नहीं कीतियां जांदियां? इस दे विच अपना राइट आंसर है इन टैंपल्स, जिहड़े मंदरां विच इह हजे सर्व नहीं कीती जांदी। सिक्स क्वेश्चन है अपना, चूज़ द स्टेटमेंट विच इज़ फॉल्स अकॉर्डिंग टू द अबव पैसेज। तो इत्थे अपने कोल किहड़ी स्टेटमेंट है जिहड़ी ओह रोंग है अकॉर्डिंग टू द पैसेज, पैसेज विच उसकी इस तरह नहीं गल हुई। इत्थे अपने कोल राइट आंसर इसका ए ऑप्शन, हर्बल टी हैज़ हाई कंसंट्रेशन ऑफ कैफिन। जिहड़े इस दे विच कैफिन की मात्रा है जिहड़ी ज़्यादा हुंदी है, लेकिन अपने उपर पैराग्राफ चों अपन पता चलता है कि जिहड़ी हर्बल टी आ ओह कैफिन फ्री हुंदी आ, इस करके हो गया अपने कोल फॉल्स। सैवंथ क्वेश्चन है अपना, विच हर्ब्स आर यूज टू इनफ्यूज फ्लेवर इन हर्बल टी। हर्बल टी विच जिहड़ा फ्लेवर लिए की यूज़ किया जाता है? अश्वगंधा, तुलसी, ब्राह्मी एंड किनेशिंग। तो इत्थे अपना राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ऑल द अबव जिहड़ियां तीनों ही ऑप्शन जिहड़े अपन दिते ने फ्लेवर, ये तीनों ही है जिहड़े हर्बल टी बनाउण विच हैल्प करते हैं, उस दे विच यूज़ किए जाते हैं। दैन एट क्वेश्चन इज द न्यू वैरायटीज ऑफ टी आर डिफरेंट फ्रॉम ट्रडिशनल टी एज दिस हैव अ कामिंग एंड स्लीप इंड्यूसिंग इफेक्ट। तो ये की है अपने कोल ट्रू, बिकॉज जिहड़े न्यू वैरायटीज ऑफ टी ने ये जिहड़ियां ट्रडिशनल टी दे स्टाइल से उन्हां तो डिफरेंट है, इस करके आंसर अपना ट्रू है। मूव टू नैक्सट क्वेश्चन इज द चाइल्ड इज प्लेइंग अराउंड डैश मिल्क सिप मिल्क फ्रॉम हिज सिपर। तो इस दे विच जिहड़ा अपने की करना है, यू सिप एज अ गर्न। तो इस दे नाल इस दे विच की करना हुंदा? अपने ING यूज़ करना हुंदा, तो इत्थे सिपिंग अपना सी ऑप्शन है जिहड़ा राइट आंसर होएगा सिपिंग, SIP। सिप तो लिखा ही होया सी, जदों सिपिंग करांगे तो पी हो जाएगा डबल, इस दे विच अपना राइट आंसर आएगा सिपिंग। नैक्सट अपना क्वेश्चन, द कैफिन फ्री हर्बल कनकैशंस आर नॉट क्रिएटेड विद अरोमैटिक फ्लावर्स फ्रूट्स एंड प्रीमियम हर्ब्स। जिहड़ी हर्बल टी है इन्हां फ्लेवरस नाल नहीं तैयार की जाती, तो ये अपने कोल हो गया रोंग, बिकॉज इन्हां फ्लेवरस तो यह तैयार की जाती है। तो इतने अपना ट्रू फॉल्स जो कि अपना फॉल्स है, बी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। नैक्सट पार्ट है अपना टैक्सट बुक क्वेश्चनस, जिहड़ा सैक्शन ए दे तुहाडे चैप्टरस ने उन्हां दे नाल रिलेटेड क्वेश्चन ने इंटेंसिव स्टडी चो।
इलेवेंथ क्वेश्चन है अपना, विच फ्लावर्स वर ब्लूमिंग एट द IISc कैंप्स। जेंडर बेस्ड है अपना क्वेश्चन, IISc कैंप्स विच जिहड़े किस तरह के फ्लावर से खिले हुए सी, तां इत्थे अपना राइट आंसर है बी ऑप्शन, ग्लूमोर्स। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर है। ट्वेल्थ क्वेश्चन है अपना, वेयर डिड सुधा सी दी एडवरटाइजमेंट। जेंडर बेस्ड ये क्वेश्चन फिर कि सुधा मूर्ति ने जिहड़ी एडवरटाइजमेंट है वह कित्थे देखी सी, ऑन नोटिस बोर्ड। तो राइट आंसर होएगा अपना ए ऑप्शन, ऑन नोटिस बोर्ड, एक नोटिस बोर्ड पर देखी से उसने एडवरटाइजमेंट सी जी। नैक्सट क्वेश्चन इज होम डिड द ऑथर्स ग्रैंड मदर फीड इन द सिटी। सिटी विच किन्हां नूं है जिहड़ी ग्रैंड मदर है वह रोटी पाउंदी सी, तां इत्थे अपना राइट आंसर है द स्पैरोस। द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी चो इह चैप्टर चो फीड इन द सिटी द स्पैरोस, चिड़ियां। नैक्सट है अपना क्वेश्चन, द पोर्ट्रेट ऑफ ऑथर्स डैश हंग अबव द मेंटल पीस। द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी अगेन इस चो है अपना यह आंसर क्वेश्चन, तो यदा आंसर है ग्रैंडफादर। किसकी पिक लगी हुई सी, ग्रैंडफादर दी। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर। नैक्सट है अपना क्वेश्चन, वट डज इनडिसिप्लिन लीड टू। लिबर्टी एंड डिसिप्लिन चैप्टर चो है, वट डज इनडिसिप्लिन लीड टू। इनडिसिप्लिन है जिहड़ा किसनू लीड करता है, चायोज। इत्थे अपना राइट आंसर है ए ऑप्शन। सिक्सटीन क्वेश्चन इज हू वॉज मेड टू मार्च इन फ्रंट ऑफ द होल बटालियन। अगेन लिबर्टी एंड डिसिप्लिन च क्वेश्चन है कि हू वॉज मेड टू मार्च इन द फ्रंट ऑफ द होल बटालियन, जो बटालियन के अगे जो मार्च है वो किसने किया। इत्थे अपना राइट आंसर है द ऑथर, ए ऑप्शन ही अपना राइट आंसर, द ऑथर, ऑथर ने किया। सैवनटीन क्वेश्चन अपना, हाउ मच डू यू पे टू ड्राइव थ्रू ऑर्चर्ड रोड बिटवीन 5 PM एंड 8 PM। जो आप 5 PM टू 8 PM ऑर्चर्ड रोड पर चला रहे हैं, कुछ भी ड्राइव कर रहे हैं, तो अपन किन्ने पे करने पैंदे उस दे लई। इत्थे अपना राइट आंसर है $5। बी ऑप्शन इज आवर राइट आंसर दैट $5। नैक्सट अपना क्वेश्चन, इन टर्म्स ऑफ GDP वी आर अमंग द टॉप डैश नेशनस। प्रेजिडेंट स्पीक चैप्टर चो है कि इन टर्म्स ऑफ GDP वी आर अमंग द टॉप, किन्नवे नंबर पर आप GDP के पक्षों, तो इतने अपना राइट आंसर है 5। डी ऑप्शन है अपना राइट आंसर 5। नैक्सट अपना स्टार्ट हो रहा सैक्शन बी, पोएट्री सैक्शन। पोएट्री सैक्शन से एक पोइम दाइनस दिखाई होगी तो किसी भी उसके क्वेश्चनस ने जोड़े पॉइंट दिड़िया लाइनस दियां ने उस रिलेटड हो देख के ही तो आंसर करना। फस्ट है अपने को नेम द पोइट ऑफ द पोइम उपा गुप्ता। जी उपा गुप्ता पोइम है उसका राइटर कौन सी, पोइट कौन सी, रविंद्रनाथ टैगोर। ए ऑप्शन है अपना इतने राइट आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। 20th क्वेश्चन है हु वॉज उपा गुप्ता। उपा गुप्ता से जोड़ा कौन सी, तो इस अपना राइट आंसर है सी ऑप्शन, डिसिपल ऑफ बुद्धा। एंड नैक्सट क्वेश्चन इज वेयर वॉज उपा गुप्ता स्लीपिंग। जेडे उपा गुप्ता से कितने सोया सी, बाय द सिटी वॉल ऑफ मथुरा। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर बाय द सिटी वॉल ऑफ मथुरा। 22 क्वेश्चन इज वट वॉज द टाइम, जदों उत्थे स्लीपिंग कर रहा सी तां टाइम की सी, कितना टाइम सी, लेट नाइट सी, तो इत्थे अपना राइट आंसर है बी ऑप्शन, लेट नाइट। सैक्शन सी इस टैक्सट बुक के क्वेश्चनस ने जिहड़ा अपना एक्सटेंसिव स्टडी आ उस रिलेटड क्वेश्चन है, उन्होंने चैप्टर सी सैक्शन है जिहड़ा अपनी बुक का। 23 क्वेश्चन है अपना, अ स्ट्रेंजर केम वैन द एस्ट्रोलॉजर वॉज हिज प्रोफेसनल इक्यूपमेंट। तो इस दे विच अपना राइट आंसर है पैकिंग अप। जो अपने पैकिंग अप कर रहे सी प्रोफेशनल इक्यूपमेंट्स नू अपने समान जिहड़ा हुंदा ना संद, उन्होंने जो पैक करन लग्या सी तां कदों आया सी स्ट्रेंजर, जदों वो पैकिंग अप कर रहे सी, जदों उन्होंने पैक कर रहा सी। नैक्सट है अपना क्वेश्चन, द एस्ट्रोलॉजर वॉन्टड टू गो अवे विदाउट आंसरिंग स्ट्रेंजरस क्वेश्चनस बिकॉज। जिहड़ा एस्ट्रोलॉजर सी ओ उसनू जिहड़ा स्ट्रेंजर सी उसके क्वेश्चन का आंसर किते बिना ही जा रहा सी, बिकॉज क्योंकि, तो इत्थे अपना राइट आंसर है ही हैड रिकोनाइज द स्ट्रेंजर।
he had recognized the stranger. 25th question apna, which profession did Rahim Khan want to join in his youth? Rahim Khan keda apne profession apnana chahunda si jadon oh youth si young si, ta itthe apna right answer hai touring circus. B option is our right answer, touring circus nu oh join karna chahunda si odon. Next apna question, who was Ramnath? Sparrows chapter hai is de vich jehda Ramnath hai kaun si, ta is da right answer apne kol hai Jaildar. वो जैलदार सी, डी ऑप्शन है अपना राइट आंसर, रामनाथ सी जिहड़ा वो जैलदार सी. 27th क्वेश्चन इज हु रोड द स्टोरी द टाइगर इन द टनल. द टाइगर इन द टनल है जिहड़ी स्टोरी है वो किसने लिखी, तो इत्थे अपना राइट आंसर है 27 का डी ऑप्शन, रस्किन बॉन्ड. डी ऑप्शन इज रस्किन बॉन्ड जिसने द टाइगर इन द टनल स्टोरी लिखी सी. नैक्सट अपना क्वेश्चन, द एस्ट्रोलॉजर काउट अस ग्लिम्प्स ऑफ द स्ट्रेंजर्स फेस डैश, तो इतने अपने को आएगा बाय द मैच लाइट. किस तरह ग्लिम्प्स ऑफ द स्ट्रेंजर्स फेस बाय द मैच लाइट. नैक्सट क्वेश्चन इज हाउ ओल्ड वॉज तंबू. तंबू किन्ने साल की सी, टाइगर इन द टनल चो है फिर क्वेश्चन, तंबू है जी किन्ने साल की सी, 12 ईयरस ओल्ड. आंसर है अपना सी ऑप्शन, 12 ईयर ओल्ड सी. 30th क्वेश्चन इज रहीम खान कॉल्ड टू लिटल स्पैरोस नथु एंड चिदो आफ्टर हिज सन्स. जिहड़े रहीम खान से उसने स्पैरोस में ये दो नाम दिते आफ्टर हिज सन्स, तो ये की है फॉल्स है क्योंकि उन्होंने अपने सन्स तो जान तो बाद उन्होंने चिड़िया स्पैरोस में ये नाम नहीं सी दिते, तो आंसर की अपने कोल फॉल्स. नैक्सट के अपने कोल ट्रांसलेशन इंग्लिश टू पंजाबी, ही इज़ नॉट अ राइटर. इतने की है प्रेजेंट च है गल हुई हुई अपने कोल, ही इज़ नॉट अ राइटर, तो इतने अपना राइट आंसर की होएगा, वह लेखक नहीं है, वह लेखक नहीं है, ये ऑप्शन ही अपना राइट आंसर, वह लेखक नहीं है. 32 है अपने कोल, वी शुड गो फॉर अ वॉक डेली. सानू रोजाना सैर करनी चाहिए है, तो ये अपने को है सी ऑप्शन, सानू रोज़ सैर करनी चाहिए है, वी शुड गो फॉर वॉक डेली. नैक्सट है अपनी पंजाबी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करनी है, मैं परसों नवी कार खरीदी, हुण इसकी इंग्लिश की बनेगी, आई बाउट अ न्यू कार द डे बिफोर जस्टरडे. परसों की इंग्लिश है जी होंगी द डे बिफोर जस्टरडे, तो इतने अपने को राइट आंसर की होगा, I bought a new car the day before yesterday. ये ऑप्शन है अपना राइट आंसर. 34th है अपने कोल, असी अपना चुगिरदा साफ रखांगे. फ्यूचर च गल हो रही है रखांगे, तो इतने अपना राइट आंसर की है, वी शैल कीप अवर सराउंडिंग क्लीन. वी शैल कीप अवर सराउंडिंग क्लीन. नैक्सट है अपने कोल ग्रामर्स है. 35th है अपने को, माई ग्रैंड मदर डैश गो फॉर मॉर्निंग वॉक इन हर यूथ. कि जिहड़ी मेरी ग्रैंड मदर सी अपने यूथ टाइम च डेली वॉक ली जांदी सी. इत्थे क्या यूज है सुटेबल मॉडल, मॉडल यूज़ करना अपने, तो इत्थे अपना राइट आंसर है यूज टू, माई ग्रैंड मदर यूज टू गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक इन हर यूथ. नैक्सट इज ही लॉस्ट डैश फ्रेंड्स ही हैड. ही लॉस्ट द फ्यू फ्रेंड्स ही हैड, डिटर्मिनर यूज़ करना, तो इतने राइट आंसर अपना डी ऑप सी ऑप्शन, ही लॉस्ट द फ्यू फ्रेंड्स ही हैड, जेडे फ्रेंड्स वे कुछ है सी, उसने वो भी गुआ ली, ही लॉस्ट द फ्यू फ्रेंड्स ही हैड. 37th इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस द वर्ड लाइट इज़ यूज एज एन एग्जैक्टिव. जेडे नीचे दिते फोर ऑप्शन अपने को सेंटेंस ने, किस दे विच जेड़ा लाइट वर्ड है एज अ ऑब्जेक्टिव यूज़ किया गया, तो हम इतने देखते हैं अपने को. 37 का राइट आंसर है अपने को सी ऑप्शन, दिस क्लोथ इज एज लाइट एज फैदर. इतने जोड़ा लाइट वर्ड है एज अ ऑब्जेक्टिव यूज़ किया गया, तो करके जोड़ा सेंटेंस है यह अपना राइट आंसर, दिस क्लोथ इज एज लाइट एज अ फैदर. नैक्सट 38 है अपना, आई एम टू टायर्ड टू थिंक ऑफ एनीथिंग, रिमूव टू एंड री राइट द सेंटेंस. जो टू है इसनों रिमूव करके अपने सेंटेंस में दोबारा लिखना,
ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਆਈ ਐਮ ਸੋ ਟਾਇਰਡ ਦੈਟ ਆਈ ਕੈਨ ਨੋਟ ਥਿੰਕ ਆਫ ਐਨੀਥਿੰਗ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਈ ਐਮ ਸੋ ਟਾਇਰਡ ਦੈਟ ਆਈ ਕੈਨ ਨੋਟ ਥਿੰਕ ਆਫ ਐਨੀਥਿੰਗ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅਵਰ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਈ ਐਮ ਸੋ ਟਾਇਰਡ ਸੋ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਟੂ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਅਤੇ ਦੈਟ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਨੈਗੇਟਿਵ 'ਚ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਨ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕੈਨ ਨੋਟ ਆਈ ਐਮ ਸੋ ਟਾਇਰਡ ਦੈਟ ਆਈ ਕੈਨ ਨੋਟ ਥਿੰਕ ਆਫ ਐਨੀਥਿੰਗ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਸ਼ੀ ਕੈਨ ਵਿਨ ਦੀ ਲੱਕੀ ਟਿਕਟ ਵਰਡ ਵਿਨ ਇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵਿਨ ਵਰਡ ਹੈ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀ ਕੈਨ ਵਿਨ ਦੀ ਲੱਕੀ ਟਿਕਟ ਵਿਨ ਹੈ ਉਹ ਐਜ਼ ਅ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਜ਼ ਅ ਵਰਬ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿਨ ਵਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਜ਼ ਅ ਵਰਬ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਂਡ ਅਵਰ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਇਜ਼ ਸੋ ਸਮੋਲ ਦੈਟ ਆਈ ਕੈਨ ਨੋਟ ਰੀਡ ਇਟ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਟੂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਟੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਆਪਾਂ ਇਸਨੂੰ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕਿਹਾ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਇਜ਼ ਟੂ ਸਮੋਲ ਫੋਰ ਮੀ ਟੂ ਰੀਡ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਇਜ਼ ਟੂ ਸਮੋਲ ਟੂ ਵਰਡ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਇਜ਼ ਟੂ ਸਮੋਲ ਫੋਰ ਮੀ ਟੂ ਰੀਡ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨੈਕਸਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਇਜ਼ ਟੂ ਸਮੋਲ ਫੋਰ ਮੀ ਟੂ ਰੀਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੋਰ ਵਾਚਿੰਗ ਵੀਡੀਓ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀਡੀਓ